नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन पर मंडराए खतरे की, मध्य प्रदेश में बीजेपी के ऑपरेशन कमल की, जानेंगे कि कब होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फैसला, वेंकैया नायडू ने बीजेपी छोड़ क्यों दिया आखिर कांग्रेस का साथ, और आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट के छल के दर्द की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घाटी में सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार के फैसले को संसद में उठाएंगे, मुफ्ती ने भी उठाए सवाल। योगी सरकार की किसान नीति पर प्रियंका गांधी का वार, ट्वीट कर लिखा ये कैसी कर्ज माफी है जिसमें किसान जिंदगी छोड़ने को मजबूर। अवेस्टा वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट से रतुल पुरी को राहत, 29 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, ईडी कार्यालय में पेश होने का दिया आदेश। भारत पहुंचे अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप, 22 हेलीकॉप्टर में से भारत को मिले 4, देश के सुरक्षा अभियानों में मिलेगी मदद। करेंसी रेगुलेशन को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की 2-2, कहा IMF तय करे पॉलिसी, अमेरिका नहीं। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराकर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो गई। उसने जोड़ तोड़ का ऐसा जुगाड़ लगाया कि कांग्रेस जेडीएस की सारी जद्दोजहद फेल हो गई। अब सूबे से सरकार जाने के बाद सियासी गलियारों में सवाल फिर सुलगने लगे हैं कि क्या जेडीएस अभी भी हाथ का साथ देगी या फिर अपनी राहें अलग करेगी। इन सवालों की गुत्थी के बीच सूबे में नए समीकरण का गणित भी शुरू हो गया है जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कर्नाटक में जेडीएस के किंगमेकर बनने के ख्वाब ने कई सरकारों को सत्ता में आते ही बेदखल कर दिया। इतिहास बताता है कि जेडीएस के साथ से कभी बीजेपी का कमल मुरझाया तो कभी कांग्रेस का हार से सामना हुआ। अब एक बार फिर जब सूबे में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ सरकार बनाई तो वो 434 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाई। इस हार के बाद जहां कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को लेकर रणनीति तैयार कर रही है तो वहीं जेडीएस विधायकों के मन में फिर से सत्ता में जाने की अपेक्षाएं हिलोरे मारने लगी हैं। तभी तो जेडीएस के खेमे से बीजेपी के समर्थन की मांग उठ रही है। जेडीएस के विधायकों ने कुमार स्वामी से सरकार को अगले 3 साल तक सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी सरकार का समर्थन करने की मांग की है। विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी से कहा कि समर्थन सरकार में शामिल होकर नहीं तो बाहर से भी दिया जा सकता है। इस मांग से जेडीएस विधायकों की महत्वाकांक्षाएं तो बाहर आ ही रही हैं, साथ ही कांग्रेस से उभर रहे मतभेद भी सतह पर आ गए हैं। इन अटकलों को लेकर अब तक कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन कुमार स्वामी ने अपने विधायकों की मांग पर विचार करने की बात कहकर इन कयासों को और तेज कर दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सूबे में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन का अंत हो जाएगा, क्या जेडीएस कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ देगी। अगर वाकई कुमार स्वामी ने विधायकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कमल को समर्थन दे दिया तो कांग्रेस के लिए उसे झटके की तरह होगा जैसा उसे उत्तर प्रदेश में लगा था, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश ने राहुल गांधी से राहें अलग कर बुआ को अपना बना लिया था। अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक में भी कांग्रेस के साथ ही बागी बन जाएंगे। कर्नाटक में सियासी नाटक का पर्दा कुमारस्वामी सरकार के गिरने और येदुरप्पा के CM बनने के साथ गिर गया और अब मध्य प्रदेश की राजनीति में उठापटक का ट्रेलर दिखने लगा है। जहां बीजेपी सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है तो वहीं कांग्रेस उसके कमल की पंखुड़ियों को तोड़ पंजे को मजबूत बना रही है। इस रस्साकशी के बीच MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। दक्षिण के द्वार पहुंचने के लिए बीजेपी के पास केवल कर्नाटक का ही रास्ता है, इसीलिए तो जब कांग्रेस और जेडीएस इस रास्ते का रोड़ा बने तो बीजेपी ने साम दाम दंड भेद लगाकर उन्हें सत्ता से हटाने के साथ अपना रास्ता साफ कर दिया। अब कर्नाटक में तो ऑपरेशन कमल ने गुल खिला लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी कांग्रेस कांटे की तरह है जिसे निकालने के लिए नेताओं के साथ साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेचैन हुए जा रहे हैं और ये बेचैनी उनके बयान से साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खेल शुरू किया है और उसे खत्म बीजेपी करेगी। अब कांग्रेस वाले देखेंगे कि बीजेपी क्या कर सकती है, बीजेपी वाले सत्ता में आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये कर्नाटक के नाटक से साफ हो गया, लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी के 2 नेताओं को अपने पाले में कर कर्नाटक का बदला ले लिया। बीजेपी के 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने एक बिल पर पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर कांग्रेस सरकार का साथ दिया। इतना ही नहीं, दोनों विधायकों ने कमलनाथ के नेतृत्व में आस्था जताते हुए कांग्रेस में शामिल होने का संकेत भी दिया। इन संकेतों से शिवराज सिंह चौहान की धड़कनें बढ़ गई हैं।
तभी तो उन्होंने कमलनाथ की सत्ता गिराने की ओर इशारा किया है। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हमारी सरकार पर कोई संकट नहीं है, बीजेपी जैसा करेगी वैसा भरेगी। दोनों दलों की तरफ से बयानबाजियों का दौर जोरों पर है, कोई आगाज कर रहा है तो कोई अंत दिखा रहा है, लेकिन देखना होगा कि इसका अंजाम क्या होता है। क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बरकरार रहेगी या फिर बीजेपी की उम्मीद साकार होगी? मध्य प्रदेश में बीजेपी का जोर तो पूरा है, लेकिन यहां सत्ता पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में है, जिसे वो इतनी आसानी से निकलने नहीं देगी। अब देखना होगा कि सिंहासन को बचाने के लिए कांग्रेस क्या दाव लगाती है, लेकिन अभी तो नजरें उस फैसले पर हैं जिस पर कांग्रेस का भविष्य टिका है। जी हाँ, राहुल गांधी के अमेरिका से लौटने के बाद अब CWC की बैठक को लेकर अटकलों का दौर फिर से तेज हो गया है। वो तारीख कौन सी होगी, वो वक्त कौन सा होगा जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का फैसला होगा? उस दिन का इंतजार पिछले एक महीने से किया जा रहा है, लेकिन तारीख पर तारीख बढ़ने के सिवा कुछ और होता नजर नहीं आ रहा। पहले इंतजार प्रियंका का किया गया, फिर राहुल के अमेरिका से लौटने का, अब तो दोनों दिग्गज दिल्ली लौट आए हैं। ऐसे में तारीख के ऐलान की बेसब्री बढ़ गई है, क्योंकि जब CWC की तारीख आएगी तभी अध्यक्ष पद के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर पार्टी के नए हाईकमान के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि तारीख अभी भी तय नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगस्त के पहले हफ्ते में कांग्रेस नेताओं का इंतजार खत्म हो सकता है। पिछले दो महीने से पार्टी के वरिष्ठ नेता नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने जल्द फैसला लेने का दबाव बनाते हुए प्रियंका गांधी को कमान सौंपने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, उनके अलावा कोई और नहीं, क्योंकि अगर किसी और को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी का एक धड़ा उसे स्वीकार नहीं करेगा, पार्टी के बिखरने की आशंका है। वहीं इस मांग से पिछले दिनों प्रियंका गांधी खुद इनकार कर चुकी हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे, सुशील कुमार शिंदे, अशोक गहलोत और ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट का नाम इस रेस में आके चल रहा है। अब देखना होगा कि कब और किस दिन किस नेता के नाम पर मुहर लगती है और किसे कांग्रेस की कप्तानी मिलती है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर फैसला अगर जल्द नहीं होता तो ये पार्टी की परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन अभी तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कांग्रेस की उस मांग पर सुर में सुर मिलाए हैं जो बीजेपी के गले की हड्डी है। इस समर्थन के बाद अब संसद में बीजेपी का अपनों के बीच घिरना तय है। जिस बिल पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया, जिस बिल पर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई, जिस बिल को लेकर राहुल के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां आ गई, अब उसी महिला आरक्षण बिल को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस का समर्थन किया है। उन्होंने बीजेपी की धुर विरोधी कांग्रेस का साथ देते हुए कहा है कि संसद में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, अब महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, ऐसे में उन्हें भी संसद की दहलीज लांघने का पूरा हक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम मदर इंडिया कहते हैं, फादर इंडिया नहीं, ये दर्शाता है कि देश में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। महिलाएं जनसंख्या का 50% है, उन्हें संसद में भी आरक्षण मिलना चाहिए। राज्यसभा के सभापति नायडू ने आज उस मांग को दोहरा दिया जो दशकों से सियासी गलियों में गूंजती आ रही है। 1966 से लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला बिल अटका हुआ है, जबकि अधिकतर राज्यों की पंचायतों में उन्हें 33% आरक्षण मिला हुआ है। पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करने वाले ये दल संसद में महिला आरक्षण के खिलाफ क्यों है, ये सवाल आज भी बना हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक पास न हो पाने के कारण संसद में महिलाओं की संख्या कभी भी 15% का आंकड़ा नहीं छू पाई। इस बार रिकॉर्ड तोड़ 78 महिलाओं ने लोकतंत्र के मंदिर में कदम तो रखा, लेकिन यह आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है, जिसे लेकर राहुल गांधी कई बार आवाज उठा चुके हैं। लेकिन तीन तलाक बिल पर चीख पुकार करने वाली बीजेपी को महिला आरक्षण बिल नजर नहीं आता। जब से वो दूसरी बार जीतकर संसद पहुंची है तब से तो उसकी मनमर्जियां और बढ़ गई हैं। इसीलिए लोकसभा से लेकर राज्यसभा में धड़ल्ले से बिल पास करवाए जा रहे हैं, लेकिन जिस बिल की मांग दशकों से उठ रही है उस पर खामोशी अख्तियार की हुई है। ये दिखाता है कि तीन तलाक से सियासी फायदे की बात है, इसीलिए उस पर नेताओं का जोर है, लेकिन महिला आरक्षण बिल आधी आबादी से जुड़ा सरोकार है, इसलिए मोदी सरकार बेजुबान है। मगर अब तो उपराष्ट्रपति ने भी आवाज बुलंद कर दी है, ऐसे में देखना होगा कि क्या अब सरकार महिलाओं के लिए अपना मन साफ करेगी।
बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन ये कैसा सम्मान जहां संसद में बहुमत होने के बावजूद सरकार आरक्षण बिल पर मुहर नहीं लगाती। सरकार के इस रवैये से साफ है कि सरकार जो दिखाती है असल में वो करती नहीं। यही बात किसानों के मामले में भी है। सरकार ने अन्नदाताओं के लिए वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती है, सभी पार्टियों को किसानों की याद आने लगती है। पीएम मोदी का भी किसानों के प्रति प्रेम तभी छलकता है जब चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में अन्नदाताओं का दिल जीतने के लिए मोदी सरकार दिलदार बन गई है। सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया तो ऐसा लगा जैसे मानो किस्मत के मारे किसानों पर नोटों की बारिश हो गई है, लेकिन ये नोटों की बारिश केवल वोटों के लिए थी। जैसे ही चुनाव खत्म, वैसे ही किसानों के लिए सरकार का खजाना बंद। देश के करीब 2,69,000 किसान अभी भी सम्मान निधि के तहत सम्मान पाने के लिए तरस रहे हैं। खुद कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में इस नाकामी को माना है। उन्होंने कहा कि लाखों किसान ऐसे हैं जिन्हें पहली किश्त अब तक नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने खुद की सरकार को नहीं बल्कि राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ा है। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के बैंक खातों की गलत जानकारी दी जा रही है, जिससे पैसे उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2,69,605 किसानों के बैंक खातों की गलत जानकारियां होने की वजह से उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार भले ही अपनी खामियों को राज्य सरकारों के सिर मढ़ रही है, लेकिन जब उसने बजट का ऐलान किया था उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की थी। 1 फरवरी को तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए कहा था कि किसानों को सालाना 6,000 रूपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। यहां तक कि चुनाव से पहले ही सरकार ने पहली किस्त जारी भी कर दी थी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही किसानों के बैंकों में पैसा आना बंद हो गया, जिसे लेकर कई राज्यों के अन्नदाता खफा हैं। लेकिन सरकार बैंकों के बहाने अपना बचाव करने में जुटी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये योजना भी केवल चुनाव के लिए थी? मोदी सरकार अक्सर ऐसे फैसले लेती है जो लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बनकर आते हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर सरकार पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाने वालों पर गाज गिराने वाली है। यहां तक कि अब तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर GST की दरें भी घटा दी है, जिससे विरोध के सुर और मुखर हो सकते हैं। बीजेपी ने दावा किया था कि दूसरी बार सत्ता में आएंगे तो वो करके दिखाएंगे जिसे विपक्षी देखते रह जाएंगे, और वाकई हो भी ऐसा ही रहा है। मोदी सरकार ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है तब से वो ऐसे फैसले ले रही है जो लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आ रही है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। लोगों की रोजी रोटी पर संकट गहरा रहा है और इस मुसीबत की घड़ी में सरकार 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने पर विचार भी कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को और संकट में ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ही ऐलान कर दिया था तो उसको लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स डिडक्शन का फायदा दिया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर पार्किंग मुफ्त और टोल टैक्स नहीं लेने के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है, और आज GST की मीटिंग में उन्होंने इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया। GST काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर GST की दर 12% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया है। इसके अलावा EV चार्जर पर लगने वाली GST की दर को 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। ये नई दर 1 अगस्त 2019 से लागू होगी। इसके साथ ही GST काउंसिल ने स्थानीय अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक बस हायर करने पर GST से छूट देने को भी मंजूरी दे दी है। सरकार की राहत से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के विक्रेताओं पर आफत गिर सकती है, जिसका खासा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखा जाएगा। यानी मोदी सरकार का एक और फैसला देश के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के छल के दर्द की। जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट अक्सर आमने सामने रहते हैं, जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। अब भले ही लाख कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूरी हो गई हो, मगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच आई तल्खियां दूर होने का नाम नहीं ले रही। तभी तो अब एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना दुख जाहिर किया है। शिक्षकों की कमी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वार, डॉक्टरों की कमी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वार, वकीलों की कमी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वार। क्या हर कमी का समाधान है सुप्रीम कोर्ट के पास? क्या सरकार नहीं कर सकती कोई काम? जहां देखो, जिधर देखो, जैसी भी परिस्थिति हो, चलो सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इसी परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना दुख जाहिर किया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट बिहार में डॉक्टरों के 75% खाली पड़े पदों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि वो सरकार को निर्देश दें कि बिहार में डॉक्टरों और नर्सों के रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां इशारों में सरकार पर वार किया तो वहीं अपना दुख भी जाहिर कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डॉक्टरों के खाली पदों को भरना अदालत की क्षमता से बाहर है। पीठ ने कहा कि आज न्यायाधीशों, मंत्रियों, राज्यसभा सदस्यों, यहां तक कि पानी और दूध हर जगह रिक्तियां हैं, लेकिन हम उन सब की पूर्ति नहीं कर सकते। हालांकि अदालत ने ये भी कहा कि बिहार में डॉक्टरों की रिक्तियां हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रिक्तियों को भरना शुरू कर देना चाहिए? आप क्या सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बता दें कि जजों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कई बार अपना दुख जता चुका है, यहाँ तक कि सरकार और कोर्ट में आरोप प्रत्यारोप भी हो चुका है, और शायद यही वजह है कि ये दर्द आज डॉक्टरों के भर्ती मामले में छलक आया। तो फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।